गुड इवनिंग डियर पार्टिसिपेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, ऑल गुड, ऑल गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड, यस, कूल। वी हैव प्राप्ति, रिजवाना, आस्था, ज्योति, भारती, प्रशीन, रोजीना, रोजी, सोनी। ओके, लेट अदर पार्टिसिपेंट्स जॉइन, then we'll start. We'll wait for 1 or 2 minutes more. So today we are going to learn a very important and very easy technique of sentence formation. देखिए, ज्यादातर लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं उनकी परेशानी ये होती है कि हिंदी में तो उनको पता है सेंटेंस क्या है, है ना। इंग्लिश में उस सेंटेंस के अंदर आने वाले वर्ड्स का जो सिनोनिम है या अंग्रेजी में उस वर्ड को क्या बोलते हैं वो भी पता होता है उनको, बट सेंटेंस में कैसे फिट करने का, सेंटेंस में कैसे उसको फ्रेम करने का, वहां पर परेशानी होती है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ऑलमोस्ट 80% जो सेंटेंसेस बनते हैं अंग्रेजी में वो इसी टेक्निक से बनते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चलिए, सो एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स है। आर्या, भारती, ज्योति, खुशबू, प्राप्ति, प्रशिक, रिजवाना, रोजीना, रोजी एंड सोनी। चलिए, ये सब लोगों ने गुड इवनिंग विश किया है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना चाहिए। अब आपको पढ़ना चाहिए, ये तो हम जानते हैं कि भाई हिंदी में हम किसी को एडवाइस दे रहे, सजेशन दे रहे हैं, है ना, हम किसी को सलाह दे रहे कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है आपको, है ना, आप कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो अंग्रेजी में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो है पर्सन, है ना, तो उसे हम यहाँ पे कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, ओके। हिंदी में उसको हम कर्ता भी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी से जब अंग्रेजी में आप जाते हैं तो उसे हमेशा आगे रखना है। जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, आप देखिए आपको के लिए मैंने क्या वर्ड लिखा है, यू लिखा है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए जो आप देख रहे है ना, वर्ब की जो हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसको आपको रिवर्स कर देना है। जो भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, जो भी लिखा है उसे आपको रिवर्स कर देना है। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए जो पढ़ना है, बराबर है, और चाहिए, तो चाहिए के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, शुड, है ना। तो देखिए कैसे होगा, कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है वो पहले आ गया, है ना, जैसे ड्राइवर के साथ हमेशा आगे होता है कार चलाते वक्त या कोई भी व्हीकल चलाते वक्त, वो ड्राइवर आगे होता है, तो उसको आगे रखना है। अब सवाल उठता है कि बाद में जो भी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। तो चाहिए के लिए आपने लिख दिया शुड, और पढ़ना के लिए आपको लिखना है रीड। तो रिवर्स में आ रहे, देखिए एरो आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कैसे आना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट हमेशा आगे रहेगा, वो अंग्रेजी में हमेशा आगे, ड्राइवर आगे रखना है। चाहिए के लिए शुड, पढ़ना के लिए रीड, ओके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। अब हमें मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग हैं, अंग्रेजी में हमको कहते हैं वी, ठीक है ना। आर्या सुनो ध्यान से बेटा, माइक अनम्यूट मत करो। हमें के लिए हमने लिखा है वी। अब देखिए पढ़ना चाहिए वही आ गया, शुड रीड, ठीक है। तो हिंदी में जो लिखा है वो रिवर्स में आपको अंग्रेजी में लिखते जाना है। आपको अगर ना समझ में आए तो आप नंबर चेक कर सकते हैं, 2 कहां पर है देखिए, 3 कहां पर है वो देखिए, ठीक है। अभी हम सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको
सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको के लिए आ गया यू, चाहिए के लिए शुड और सीखना के लिए लर्न, तो यू शुड लर्न, ठीक है। ऊपर जो टू और थ्री रिवर्स में है उसको यहाँ पे आपको इंग्लिश में कंटिन्यू करना है यू के बाद। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नंबर के हिसाब से मुझे अंग्रेजी में वर्ड्स बताते जाइए। कौन बताएगा? हु विल हेल्प मी? रेज योर हैंड प्लीज। यू नीड टू रेज रेज योर हैंड। रिजवान आप हेल्प करेंगे? यस रिजवान। यू, यू के बाद क्या आएगा रिजवाना? शुड, शुड, वेरी गुड। लर्न, लर्न, इंग्लिश, एक्सीलेंट, वेरी गुड रिजवाना। बहुत ही अच्छे से आपने उसको ट्रांसलेट किया। और देखिए रिवर्स ऑर्डर में आए हम लोग, टू थ्री फोर, नीचे आप देखिए टू थ्री फोर। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको हिंदी से या आपकी जो भी मदर टंग है उसमें से, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी है उसमें से जब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो पहले जो सब्जेक्ट है उसको आगे रखिए। कर्ता को हमेशा आगे रखना है, कोई भी पर्सन है उसको आगे रख दीजिए, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। वेरी गुड रिजवाना। चलिए आई होप ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया। देखिए हमने कैसे किया, चाहिए जो लिखा है उसके लिए शुड, सीखने के लिए लिखा है लर्न, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। ओके आर्य, अभी आप हेल्प करेंगे? आर्य, आर्य नहीं रुको, एक आई थिंक प्रशिक ने हाथ ऊपर किया था। सो अब नेक्स्ट जो सेंटेंस आएगा उसमें हमें प्रशिक हेल्प करेंगे। प्रशिक, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, चाहिए के लिए क्या वर्ड आएगा बताइए प्रशिक। शायद प्रशिक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आर्य आप हेल्प करेंगे? यस सर, वी शुड लर्न इंग्लिश। वन बाय वन, चाहिए के लिए क्या आएगा? वी तो आगे आएगा, वी जो है वो हम है वो आगे आएगा। वी फर्स्ट, शुड सेकंड, देन लर्न थर्ड, एंड इंग्लिश इज द लास्ट फोर्थ। वेरी गुड, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। ओके ओके, अब प्राप्ति। यस सर। आपको, अब आपको क्या है यहाँ पे? आपको जो है वो क्या है? यू क्या है? यू, ये क्या है वो? इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, करता वो आगे रखना है, ठीक है। हाँ, देन यू शुड, शुड के लिए क्या है? शुड किसके लिए बोला आपने? Sir, I'm not getting exactly, but it how the please, sentence will please, form? No. Please check the numbers. अगर आप should कह रहे तो आप should कौन सी पोजीशन पे ले रहे? सेकंड पोजीशन पे, राइट? हाँ, yes. तो सेकंड कहाँ पर? आप देखिए ऊपर देखिए। अच्छा, सेंटेंस विजिबल है आपको? सेंटेंस रीड करो सेंटेंस। आपको पासपोर्ट बनाना चाहिए। ओके, तो चाहिए कहाँ पर लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा है ना? हाँ, तो आगे लेना आपको? टेक इट द, हाँ हाँ, रिवर्स में आना है। सेकंड पोजीशन, चाहिए, यू शुड, हाँ यू शुड। अब देखिए बनाना, पासपोर्ट, हाँ, बनाना के लिए क्या वर्ड आएगा? मेक। बनाना के लिए आएगा मेक, समझ में आ रहा है? यस सर। अब लास्ट में वर्ड क्या है देखिए? पासपोर्ट। अब देखिए पासपोर्ट इटसेल्फ इट्स एन इंग्लिश वर्ड, राइट? सो आपको डायरेक्टली लिख देना है मेक अ पासपोर्ट, तो यू शुड मेक अ पासपोर्ट। प्राप्ति समझ में आई टेक्निक कैसे यूज करनी है आपको? यस सर। रिवर्स में आना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ओके ओके, यामिनी। यस सर। चलिए यामिनी आपका टर्न है अभी। पहले रीड कीजिए सेंटेंस यामिनी। वह अच्छा भजन गाती है। भजन और भोजन में फर्क होता है, सॉरी, भजन भोजन खाने का, राइट? चलिए, हाँ हाँ सर, सॉरी, नो शी, हाँ, सिंग। सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा है? गाती है ना? गाती है, सिंग, गाती है। ओके ओके, ठीक है। तो
सिंग्स आएगा, भजन का भजन रहेगा, भजन का भजन कैसे रहेगा, भजन हिंदी वर्ड है। हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, वी कैन से सॉन्ग, सॉन्ग सॉरी। गुड, ओके चलिए नो प्रॉब्लम। तो आपने टेक्निक से समझ ली है अच्छे से कि रिवर्स में आना है, 2-3-4 ऊपर है तो यहाँ पे 2-3-4 नीचे लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वह तो नीचे आ गया शी, बराबर है, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है वो नीचे आ गया। अब सेकंड पोजीशन पे लिखा है गाती है, तो गाती है के लिए है रिसाइट्स, ठीक है, भजन जो हम गाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसाइट्स, कोई प्रेयर है बराबर है, रिलीजियस जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइट्स। भजन के लिए या मैंने भजन के लिए अंग्रेजी वर्ड है, आर्य आप भी सुन लो, भजन के लिए अंग्रेजी वर्ड है हिम, हिम ओके, हाँ हिम, एच वाई साइलेंट, हाँ हिम, ठीक है ना, एम न साइलेंट होगा आप प्रोनंसिएशन में हिम बोलेंगे। तो गाती है के लिए आएगा रिसाइट, और भजन के लिए आएगा हिम, और अच्छा के लिए आएगा वेल, एक्टिविटी है ना कोई, जब आप करते हैं अच्छे से करते हैं अगर, तो उसके लिए वर्ड होता है वेल, ठीक है। She recites him well. She recites him well. अगर आपने यहाँ पे sings भी लिख दिया, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो sings बोलना है, she sings him well, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर हम भजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए appropriate वर्ड है recite करना। चलिए यामिनी, यामिनी फिर से आपको help करनी है मुझे। वह अच्छा खाना बनाती है। हाँ देखिए आ गया भोजन है ना, खाना। She makes आ गया। She cook cooks okay cooks yummy food cooks ये कौन good था food कौन था ये कौन था इतना प्यारा क्यूट सी आवाज में कौन बोल रहा था? वो मेरी बेबी है। अरे वाह, उन्होंने भी अच्छे से बताया, लेकिन करेक्ट है, she cooks, continue, खाना के लिए कौन सा good food, खाना के लिए कौन सा वर्ड आएगा? खाना फूड, हाँ ओके फूड, गुड फूड, खाना के लिए वर्ड है फूड, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है रिवर्स हो गया, यहाँ पे फूड आना चाहिए ना, शी कुक्स गुड फूड, शी कुक्स गुड फूड। एक्चुअली हिंदी में हमें क्या करना चाहिए था, वह खाना अच्छा बनाती है ऐसा होना चाहिए था, तो ऑर्डर बराबर होता, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू यामिनी। एंड व्हाट इज द गुड नेम ऑफ योर डॉटर, व्हाट इज हर नेम यामिनी? All right. My daughter name is Sanaya Sorathia. Sanaya, very good. Okay. So Sanaya and Yamini, well done, both of you. Thank you. Yes. Bharti, are you there, Bharti? Thank you. Welcome, Sanaya. Okay. Let us take some other participant. Rosie ma'am, can you help? Rosie ma'am, are you there? Yes, sir. Good evening, Rosie ma'am. How are you? Good evening. Fine, sir. Thank you. Okay. Please help us. मैं अपने दोस्तों के साथ share करूँगा. Right? Share. So share करूँगा. Second will come. I will share. Will share. Okay. Wait. Will share. Let me. Okay. करूँगा. Correct. करूँगा तो will share. देखिए will share को underline किया है क्योंकि वो साथ में आने वाला है. Okay. Yes, Rosie ma'am. Continue. के साथ. So then third in के साथ, so with them okay, with them actually यहाँ पे है अपने दोस्तों, तो with फिर अपने my friends very good, my friends, देखिए अपने दोस्तों तो my friends, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, जैसे रोजी मैम ने बताया share करूंगा है ना, तो will share, के साथ के लिए अंग्रेजी वर्ड है with, अपने दोस्तों के लिए अंग्रेजी वर्ड है my friends, करेक्ट है। सबको समझ में आया ये वाला सेंटेंस, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पे। थैंक यू रोजी मैम, थैंक यू। ये अगर सेंटेंस हमने जो ट्रांसलेट किया है ना, और उसका जो टेक्निक फॉलो किया, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो प्लीज पूछ सकते हैं।
ओके चलिए, इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हम पूछने वाले हैं सुनीता को. सुनीता सुनीता आर यू देयर? सॉरी ओके ज्योति आर यू देयर? ज्योति यस सर ज्योति यस ज्योति प्लीज हेल्प अस. यस सर आई विल शेयर. ओके आई विल शेयर विथ माय फ्रेंड्स बट फर्स्ट यू नीड टू रीड आउट इन हिंदी. हिंदी में रीड कीजिए ज्योति. मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा. ओके तो मैं के लिए आ गया आई जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आता है सब्जेक्ट है ना. आगे आगे सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? शेयर करूंगा के लिए अंग्रेजी बताइए ज्योति. यस सर हाँ शेयर मींस शेयर करूंगा. आई विल शेयर विद माय फ्रेंड्स. आराम से बेटा आराम से वन बाय वन. तो सेकंड के लिए आएगा विल शेयर. ओके के साथ के लिए अंग्रेजी बताइए विथ. विथ और अपने दोस्तों के लिए अंग्रेजी क्या आएगा? माय फ्रेंड्स वेरी गुड. तो हमें यहाँ पर आज टेक्निक फॉलो करना है. देखिए हम ट्रांसलेट तो कर सकते हैं बट एक सिस्टम से एक टेक्निक से एक है ना एक सिस्टमेटिक अप्रोच से हमको जाना है. थैंक यू ज्योति. चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पूछने वाले हैं सोनी को. सोनी सोनी यस सोनी प्लीज हेल्प अस. वह पहले तेज दौड़ सकते थे. ओके थोड़ा सेंटेंस बड़ा है लेकिन टेक्निक सेम रहेगा ठीक है ना. सेम टेक्निक से आपको जाना है. अच्छा वह जो है वो कौन है? पर्सन है कोई तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कर्ता सब्जेक्ट ठीक है ना. चलिए अब आइए रिवर्स में आइए सोनी. सकते थे एक साथ ही तो आ गया. ओके पास्ट की बात है ना सोनी तो कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा. समझ में आया? पास्ट की बात है ना तो कैन का आपको कुड करना है. ओके दौड़ को क्या बोलते हैं? कुड हाँ रन वेरी गुड रन फास्ट तेज के लिए फास्ट. ओके और पहले बिफोर कह सकते हैं? बिफोर ओके वेल डन सोनी. ही कुड रन फास्ट बिफोर वो पहले तेज दौड़ सकते थे. एक्सेलेंट वेरी गुड सोनी. आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है ये फॉर्मेशन की टेक्निक जो है बराबर है. चलिए नीलम. यस वेरी गुड नीलम. हेलो नीलम ये टेक्निक आपको समझ में आई सेंटेंस फॉर्मेशन? ओके तो नीलम आप हेल्प करेंगे मुझे. आप मुझे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हेल्प करेंगे. वह पहले रीड कीजिए हिंदी में प्लीज. रीड आउट इन हिंदी फर्स्ट. अब देख रहा था. तो कुड सी क्लियर बिफोर वन बाय वन. सेकंड वर्ड कौन सा है वहां पे देखिए ऊपर. नीलम पहले नहीं नहीं आप नंबर देखिए नंबर हिंदी में इट्स पे. नहीं 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 वहां पे वो नंबर लिखा है देखिए ऊपर टू. हाँ टू किधर है? कुड. ओके तो सकते थे ना. तो उसके लिए क्या आएगा? कुड देख सर. कुड के पे वी कैन यूज यूज्ड टू ही यूज्ड टू सी क्लियर बिफोर ऐसा कुछ. गुड क्वेश्चन मैं आपको देखिए समझाता हूँ. यूज्ड टू का मतलब क्या है? कोई हैबिट होती है ना जब पास्ट की कोई हैबिट आप जब बताते हैं ना उसमें आप यूज टू लगाते हैं. ओके ये पास्ट की कैपेबिलिटी है. यहाँ पर देखिए दौड़ने की और देखने की ये क्या होती है? क्षमता होती है कैपेबिलिटी होती है. इसके लिए हम लगाएंगे कुड. ठीक है हैबिट होगी ना हैबिट तो यूज टू आएगा बट अगर कोई कैपेबिलिटी बताएंगे तो कुड लगाएंगे. ओके देख के लिए क्या आएगा? ओके थर्ड सी साफ क्लियर क्लियरली या क्लियर ठीक है. पहले के लिए क्या आएगा?
बिफोर एक्सीलेंट. तो आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आ रही है. सब्जेक्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हिंदी में उसको आपको क्या कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है. ओके, यू नीड टू नो द एप्रोप्रिएट वर्ड. जैसे कि यहाँ पे देखिए नीलम ने डाउट, बहुत अच्छा डाउट पूछा कि हम सकते थे पास्ट की कोई बात है तो उसको यूज टू नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं बट अगर वो कोई हैबिट होगी तो. ठीक है, चलिए. तो ये हो गई अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन की टेक्निक, जिसमें सब्जेक्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन. यस रोजिना. यस सर, बिफोर के बदले अर्लियर यूज हो सकता है? अर्लियर एप्रोप्रिएट नहीं होगा यहाँ पे. ओके, अर्लियर जो है ना वो कैसा है कि इमीडिएट टाइम जब आप बताते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रीवियस हो गया, अर्लियर हो गया. Okay. और ये थोड़ा सा लॉन्ग एगो की बात हो रही है. ओके सर, फाइन, थैंक यू सर. या वेलकम. यस रोजिना, यू'ड लाइक टू ऐड समथिंग? सर, आई जस्ट वांट टू आस्क, लाइक कैन वी यूज ही वाज एबल टू सी क्लियरली? हां, ही वाज एबल टू, करेक्ट, ही वाज एबल टू बिकॉज़ दिस वाज हिज एबिलिटी, राइट? सो वाज एबल टू भी करेक्ट है एंड यहां पे कुड भी लगा सकते हैं आप. यस, क्योंकि उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात हो रही है. So he was able to, correct. Okay, thank you. So alternatively, as Rosina said, we can also use was able to see clearly before. Okay, चलो. अब है ना यहाँ पे कुछ proverbs है जिसको आपको read करना है और explain करना है. You need to read out the proverb, you need to read out the quotes and explain to everyone. Okay, so let me ask this question to Shamsha. Shamsha, please help us with this one. ये थोड़ी सी अलग एक्टिविटी है. You need to read and explain. Shamsha, can you hear me? I think वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही. कोई बात नहीं, तो हम पूछेंगे अब प्रशिक. प्रशिक, please help us. You read. Never win the silver. Mm-hmm. You only lose the gold. Sir, means Hindi mein translate karna hai? Nahin ji, aapko explain karna Hindi mein. Samjhana hai ki aapko kya matlab, samaj. Sir, wo Shahrukh Khan ka dialogue, kuch paane ke liye kuch khona padta hai. Bilkul nahin. Aisa nahin hai ye. Jo likha hai, proverb, wo aapko एक्सप्लेन करना है. ये बात शाहरुख खान ने कही है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, वो मैसेज क्या देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के जरिए या इस स्टेटमेंट के जरिए. ओके, चलो, जिसको समझ में आया वो हमें समझा सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड. दोज हु नो, प्लीज raise your hand and explain. Samim, can you explain this one? So here you, what we are doing, we are learning. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. प्रशिक ने भी वही बताया, बट ये नहीं है इसका मतलब. अच्छा, सॉरी. कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी. रोजिना. सर, इट्स लाइक कि आप ब्रॉन्ज नहीं जीत, सिल्वर नहीं जीत सकते, बट आप सोना खो दोगे, समथिंग लाइक दैट. थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल लेकर एलेबोरेट कर सकते हैं रोजिना? मतलब आप, हाँ, मतलब आप सोना जीतने जाओगे तो जो है वो भी यू विल लूज इट, ऐसा. I'm not sure, sir. Okay, no problem. Rosie ma'am, can you help us, Rosie ma'am? Even I'm not sure. I'm listening this proverb for the first time. Okay. But मुझे ऐसा लगता है कि he wants to say के like the gold winners, the first, the one who gets the first prize is a person who can be remembered forever. करेक्ट करेक्ट. सिल्वर का उतना महत्व नहीं है जितना गोल्ड का महत्व है. यस यस यस. तो अगर आपने वाला हमेशा
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बराबर है रोजी मैम ने अच्छे से समझाया कि जो सेकंड पोजीशन पे आता है उसे कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखिए मैंने कुछ अचीव किया सेकंड पोजीशन पे आ गया मैं, है ना, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आए मतलब आप फर्स्ट पोजीशन हार गए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने सेकंड अचीव किया, आपको ये सोचना है कि आपने फर्स्ट लूज कर दिया। जैसे अभी एक आई थिंक थ्री इडियट्स मूवी में डायलॉग एक क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रोफेसर के द्वारा कि भाई हु वाज द फर्स्ट पर्सन राइट टू रीच द मून, तो नील आर्मस्ट्रांग, एंड हु वाज द सेकंड, इफ यू इवन इफ यू नो द आंसर इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके इट डजंट मैटर। सो द थिंग इज कि फर्स्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तो अगर आप सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो इसका मतलब आप सेकंड पोजीशन पे नहीं आए, आपने फर्स्ट पोजीशन खो दी है, आपने सिल्वर मेडल जीता मतलब आपने गोल्ड को खो दिया है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अचीव द फर्स्ट पोजीशन और द गोल्ड मेडल। यहाँ पे मतलब फर्स्ट की, जैसे रोजी मैम ने बताया, फर्स्ट पोजीशन की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की है। चलिए और नेक्स्ट जिनको भी समझ में आएगा हाथ ऊपर करके समझाइए। नॉर्मन कजिन्स ने एक कोट बताया है उनका, रीड आउट एंड एक्सप्लेन। यस, हु इज रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग? सबके अंदर एक डॉक्टर होता है। यस प्राप्ति, प्राप्ति ने हाथ ऊपर किया, प्राप्ति समझाइए। हाँ सर, ईच पेशेंट कैरीज हिज ओन डॉक्टर इनसाइड हिम, मतलब आई फील सो लाइक दिस दैट हर एक इंसान के अंदर अब एक डॉक्टर मौजूद होता है। आई फील सो। ओके, तो क्या करना चाहिए फिर, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? No, not like that, sir. Sometimes okay. we feel that we need a doctor, but okay. Sometimes the solution we are already having. If we search it from our mind, okay. like we say that our mummies are a doctor, mm-hmm. yes, mm-hmm. because they have that gharelu nuskas for Correct. Us, which mm. work out more than that, more mm. than our doctor. Allopathic, so I okay. feel this, mm. So I feel this proverb is okay. switching there. Okay, okay. Rosina? What I feel, okay. What I feel is कि हमको हमारी बॉडी मतलब डॉक्टर से ज्यादा हम हमारी बॉडी को समझ पाते हैं what it correct. needs. Correct, correct. Exactly. Yes. रोजी मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? रोजी मैम, रोजी मैम इसमें थोड़ी रोशनी डाली आप। Okay. Each patient carries his own doctor inside him. Mm-hmm. I feel ke this talks about the willpower. Mm-hmm. Ke har ek insaan ke andar khud ka willpower hota hai. Correct. To hum jaisa sochte hai, aisa ho sakta hai. Very good. To Norman Cousins jo hai na, inki story hai na, isi hai. Unko, I think inhone ek book likhi hai, bahut achi book likhi hai, Anatomy of Illness. वो बुक रीड करनी चाहिए। उसमें उन्होंने बताया है कि वो कैसे खुद रिकवर हुए। सारे डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था, ठीक है ना, कि आप नहीं अच्छे हो सकते, आप कुछ दिनों के मेहमान है, बट वो उनके विल पावर से वो रिकवर हुए। और फिर उन्होंने देखे कितनी अच्छी किताब लिखी और उसमें अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई विल पावर से हम लोग कैसे हील कर सकते हैं अपनी बॉडी को। ठीक है, वेरी गुड रोजी मैम, थैंक यू। एंड रोजीना वॉज ऑल्सो राइट कि हमारी जो बॉडी है और हमारे जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई आई विल रिकवर, आई विल बी ऑल राइट। ओके, इवन ऑल द व्हेन ऑल द डॉक्टर सेड यू विल नॉट रिकवर, then also you know it was his self confidence and his will power that helped him. Okay, Dr. Albert Schweitzer, last today still we have 9 minutes, so we'll take more. Yes, we'll explain this one. Dr. Albert Schweitzer, what he said and what he wanted to say. भारती, रिजवाना, रिजवाना कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। रिजवाना और भारती, हु इज एक्सप्लेनिंग दिस? हैप्पीनेस। रिजवाना, हैप्पीनेस इज नॉट
nothing more than good health and a bad memory. ज्यादा हैप्पी रहना भी अपने गोल्ड के लिए, अपने गुड के लिए, हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ज्यादा खुश रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नजर लग जाती है. I'm not sure. Okay, नजर लग जाती है. कोई बात नहीं. ओके okay, भारती. यस सर. भारती प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज हेल्प. Happiness is nothing more than good health and a bad memory. खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बुरी याद से ज्यादा. देखिए भारती, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको समझाना है क्या कहना चाहते हैं. डॉक्टर एल्बर्ट स्वाइट्जर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो. यामिनी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. यामिनी, आई थिंक रोजीना ने हाथ ऊपर किया. वेट यामिनी, लेट मी आस्क रोजीना फर्स्ट. आई एम नॉट ओके. ओके या रोजीना, हैप्पीनेस इज नथिंग, मतलब उसका मतलब ये होता है कि खुशी आपको जब मिलेंगी, जब आप स्वास्थ्य मतलब हैप्पी हेल्थ से खुश, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी. और आपकी बैड मेमोरीज मतलब यही होता है अकॉर्डिंग टू मी, ये कुछ ज्यादा हम पकड़ के ना रखे हमारे पास्ट का, भूल जाना चाहिए जो भी बुरा होता है, जो भी वी नीड टू मूव ऑन है सब. आई फील दैट. यस करेक्ट, एक्सीलेंट. तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ गुड हेल्थ, राइट. देन सेकेंडली यू शुड फॉरगेट एंड फॉरगिव, राइट. डोंट होल्ड द ग्रजेस किसी के लिए मन में. क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रजेस नहीं रखना है बिल्कुल भी, एंगर नहीं रखना है, रिवेंज जो बदले की भावना होती है ना, तो वो सारी चीजें अगर अपने मन से आप निकाल देंगे औरों के लिए, तो आप हेल्दी एंड हैप्पी, हेल्दी तो है ही बट साथ में आप मेंटली भी फिट रहेंगे, बराबर है. सो बैड मेमोरी का मतलब जो रोजीना ने बताया कि हमें भूल जाना चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ठीक है. आई होप अब समझ में आ रहा है सबको. यस यामिनी. यस सर. ओके भारती, समझ में आया आपको भी. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली आपको भूल जाना है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, किसी और ने आपके साथ बुरा किया, उसको भूल जाना है. देखिए दो चीजें भूलने की आपको कोशिश करनी है. एक, किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है उसको भूल जाइए, और आपने किसी और के लिए कुछ अच्छा किया है उसको भी भूल जाइए. सो यू नीड टू फॉरगेट टू थिंग्स, बराबर है. पहला, किसी के साथ आपने कुछ बुरा, सॉरी, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया उसको भूल जाइए, और आपने किसी का अच्छा किया है, किसी को हेल्प की है ना, वो भी आपको भूल जाना है. वो भी आप माइंड में रखेंगे तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ जिएंगे कि देखिए मैंने इसको ऐसा हेल्प किया था, इसलिए तो मतलब गुड then expectation bad memory निकाल देंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड यामिनी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. जिम रॉन, जिम रॉन क्या कहना चाहते हैं, देखिए. आर्य, आर्य आर्य आर यू देयर? यस सर. Help me. Sir, I am also thinking, what's the meaning of this sentence? Keep it up. You are the average of 5 people you spend the most time with. Sony? Sony, please help us. Yes, sir, same here. Okay, take your time, no problem. Neelam. Neelam. Thinking, sir. Okay, work in progress. Yeah.
सर मैं आई यस यस सर मतलब कि तुम ज्यादा इंसान के साथ बात कर सकते हो तो मतलब कि तुम एवरेज मतलब कि तुम प्रगति में हो ऐसा मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी ज्यादा इंसान ओके देखिए हु इज एक्सप्लेनिंग नीलम रोजी रोजी यस रोजी मैम यस रोजी मैम ऐसा भी हो सकता है कि लाइक spend more time with yourself knowing yourself because when we sit we talk good and bad about others instead of you know reflecting on ourselves so aisa bhi ho sakta hai ki humko zyada okay dekhiye aapne jo baat batayi bahut sahi hai but jim brown yahan pe is sentence ke zariye kya kehna chahte hain wo hame samajhna hai aur samjhana hai to i think rosie ma'am try karenge rosie ma'am Cool. Yeah, it says ke you are the average of five people you spend the most time with. वो ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में हम लोग कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा करीब होते हैं जैसे हमारे फैमिली है या फ्रेंड्स है तो हमारी लाइफ में पांच लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो वो पांच लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज रहती है ना वो हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है अच्छा वो जो हम संगत संगत का असर जो बोलते हैं ऐसा कुछ है क्या ऐसा कुछ है रोजी मैम कि संगत का असर होता है जिनके संगत में हम रहते हैं जिनके साथ हम रहते हैं जिसके साथ तुम रहते हो संगत का असर होता है ऐसा कहा जाता है ओके मैक्सिमम टाइम आप जिसके साथ स्पेंड करते हो आप उनके जैसे थोड़े से उनके गुण तुम्हारे में आ जाते हैं ओके तो अ बिट ऑफ एवरेज ऑफ दोस पीपल करेक्ट करेक्ट तो रोजी मैम क्या वो एडवाइस क्या देना चाहते हैं हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए बुरे लोगों के साथ रहना चाहिए अच्छे लोगों के साथ रहना यस अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहना इंटेलिजेंट या एक्टिव है या यू नो स्मार्ट है इंटेलिजेंट है वैसे क्राउड के साथ ज्यादा रहना चाहिए जहाँ से हमको चीजें नॉलेज भी अच्छे से मिले और पॉजिटिव वाइब्स मिले तो यू शुड माइंड योर फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली यू शुड माइंड योर कंपनी आप जिनके साथ रहते हैं आप उनके जैसे बन जाते हैं तो अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे है ना और बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो ऑब्वियसली बुरे बन जाएंगे थैंक यू रोजी मैम ओके वेरी कॉमन वेरी फेमस विलियम शेक्सपियर नीलम सर कैन आई से यस आर यू सर मींस ये कह रहे कि अगर नाम अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन इज आल्सो गुड एंड द नेम वी शुड नॉट डिपेंड्स ऑन द पर्सन नेम लाइक दिस द विलियम शेक्सपियर सर हैज गिवन एग्जांपल दैट द रोज नेम इज rose but the smell is sweet only it's not depend on the name okay so what is important work is important or word